नमस्ते सभी को। नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते भैया, तारा भैया, शोभा जी नमस्ते, सभी को नमस्ते। तो सभी साथियों का इस हिंदी सत्र में स्वागत है। आज हिंदी सत्र में हमारे साथ एच के राय भैया हैं और भैया अपनी शेयरिंग को रखेंगे, तो मैं भैया का छोटा सा परिचय रखता हूँ। भैया अभी तो किसी संस्थान के साथ में जुड़े नहीं है, लेकिन भैया पहले प्रोफेसर एंड एचओडी थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। भैया ने अपना फर्स्ट यूएच वर्कशॉप 2018 में किया था आईआईटी कानपुर में, कि जो वर्कशॉप डीन और एचओडी के लिए था। और भैया तब से यूएच के साथ में जुड़े हुए और वॉलेंटियरिंग के रूप में अपनी भागीदारी को निभा रहे, और भैया रिसोर्स पर्सन्स के रूप में भी यूएचवी कंटेंट्स को शेयर करते हैं। तो भैया आपका स्वागत है। और जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, हाँ जी भैया, आवाज क्लियर। तो नमस्ते सभी को। पूरे अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता के भाव के साथ मैं अपनी शेयरिंग रखने का प्रयास करता हूँ। जैसा भैया ने बताया, मैं हिमांशु कुमार राय गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। यहाँ परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं। बेटी बीटेक कर चुकी है और बेटा बीटेक कर रहा है। मेरा इस विषय वस्तु से जुड़ना जनवरी 2018 में कानपुर में हुआ और फिर अलग अलग यूएसवी की मैंने वर्कशॉप की। मेरे बाद मेरी पत्नी ने भी यूएसवी की वर्कशॉप की और बेटी ने भी कानपुर में पढ़ाई करने के दौरान स्टूडेंट्स वर्कशॉप किया। परिवार सभा के माध्यम से यह विषय वस्तु सूचना रूप में बेटे तक भी पहुंच गई है। पहले मैं अध्यात्म से जुड़ा हुआ था, तो अध्यात्म से जुड़ा होने के कारण दो प्रश्न मुझे हमेशा महत्वपूर्ण लगे। पहला, मैं कौन हूं? और दूसरा, मेरे जीवन का लक्ष्य यानी उद्देश्य क्या है? युवचवी से जुड़ने के बाद एक और प्रश्न इसी कड़ी में जुड़ गया कि इस अस्तित्व में मेरी क्या भागीदारी है? पहले भागीदारी पर मेरा ध्यान नहीं गया था। ऐसा लगता था कि लोगों के बीच जाने से सांसारिक विषयों में फंसने जैसी बात होगी, अतः ज्यादातर एकांत में रहना एक सुखद एहसास जैसी बात थी। आज यूएचवी के माध्यम से इसका कारण यह दिखता है कि हमारे जीने की जो सबसे निचली क्रिया आशा है और प्रकृति की तीनों अवस्थाएं अर्थात पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था प्रकृति के नियम से बंधी होती हैं और हम इनसे कोई अन्यथा आशा भी नहीं रखते, इसलिए हमारे सुख में कोई बाधा नहीं पहुंचती। मानव के साथ जीते समय ऐसा नहीं हो पाता है, परंतु अब ध्यान दूसरे की शिकायत न करके अपनी योग्यता पर जाने लगा है। एक बार फिर से आते हैं उन दो प्रश्नों पर कि मैं कौन हूं और मेरा लक्ष्य क्या है। तो सूचना के रूप में जो प्राप्त था वो ये कि मैं चैतन्य इकाई हूं और मेरा लक्ष्य परमानंद की प्राप्ति या मोक्ष है। इस बात का भी एहसास था कि आत्मा में स्थित होकर ही परमानंद की प्राप्ति होगी, लेकिन आत्मा में कैसे स्थिर होना है ठीक से पता नहीं था। वैसे ही मेरे चैतन्य इकाई होने का क्या अर्थ है? मन बुद्धि जैसी वस्तु की मेरे चैतन्य होने के क्रम में क्या व्यवस्था है? यशस्वी के माध्यम से इन सब प्रश्नों पर ध्यान गया और देखना समझना भी हो पाया। जब मैं चैतन्य इकाई स्वयं को देखने गया तो वहां पर इच्छा विचार आशा निरंतर चलते हुए दिखाई दी। अध्यात्म मार्ग पर चलते हुए ही मैंने रखा था कि ज्ञान और वैराग्य से ही भक्ति पुष्ट होती है, वहीं दूसरी तरफ वैराग्य के लिए सतत अभ्यास की जरूरत होती है।
इस अर्थ में देखें तो अभ्यास एक बहुत ही कारगर उपाय दिखाई देता है। अभ्यास एक यानी मैं के द्वारा मैं को देखना। यहां महत्वपूर्ण बात यह दिखती है कि देखने वाला मैं दृष्टा पद है, जबकि देखे जाने वाला मैं उससे नीचे की क्रियाएं। तो स्टेप वन को देखते हैं, जहां हम हर क्षण अपने भाव विचार को देखना होता है बिना प्रतिक्रिया क्रिए, और देखने का निर्णय बनाए रखना है। तो पहले की तुलना में अब दोनों चीजें ज्यादा हो रही हैं, अर्थात बिना प्रतिक्रिया के कुछ देर तक देख पाते हैं और देखने का निर्णय भी बना रहता है। फिर भी यह दिखता है कि एक बहुत बड़ा समय अपने पर ध्यान दिए बगैर ही गुजरता है। अगर स्टेप टू और स्टेप थ्री को एक साथ देखें तो इस क्षण मेरे में जो भाव विचार चल रहा है उसका मूल्यांकन करना है, और यह मेरे लिए सहज है या असहज, या मैं अपने को आराम में देखता हूं या फिर परेशान। तो यहां पर इन दोनों स्टेप्स को मैं अपने में देख पाता हूं कि सहज भाव के साथ मैं आराम में रहता हूं, सुखी रहता हूं। इस तरह से एक्सरसाइज वन के प्रारंभिक 3 स्टेप्स से मेरे लिए 2 महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। पहला यह कि मैं निर्णय पूर्वक दृष्टा पद पर यानी आत्मा में बने रहना चाहता हूं, और दूसरा ये कि मैं अपने स्वभाव को देख पा रहा हूं, और ये दोनों अर्थात आत्मा की जगह पर होना और अपने स्वभाव को समझना और देखना मेरे लिए साध्य है। इसलिए अभ्यास एक अपने ऊपर की क्रियाओं को जागृत करने के अर्थ में मुझे एक महत्वपूर्ण कदम दिखता है। स्टेप फोर यानी इस क्षण मुझ में जो भाव विचार चल रहा है उसका निर्णय मैं ही लेता हूं। इस अर्थ में अपने सुख दुख के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार। यहां पर इस बात को मैं रखना चाहूंगा कि कानपुर में 9 मार्च से 23 मार्च तक चलने वाले 60 सत्र में मैं शामिल हुआ, और इस बात पर गहराई से ध्यान गया कि मानव के रूप में जो मेरा जीना हो रहा है उसमें से 90% से कहीं ज्यादा मैं स्वयं के साथ अर्थात जीवन के स्तर पर जी रहा हूं। अब स्टेप फोर के साथ इस बात को जोड़कर जब मैं देखता हूं तो अपने सुखी होने की मेरी जिम्मेदारी एक बहुत बड़े कालखंड के रूप में दिखती है। इसलिए अपने में परिमार्जन के लिए और दृढ़ निष्ठा बनती है। स्टेप फाइव, निर्णय का आधार क्या है? समझ या मान्यता। बहुत कम बार ही संस्कार मुझे सीधे सीधे दिखते हैं, और जो दिखते भी हैं उनमें से ज्यादातर संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व के अर्थ में नहीं होते। इसलिए सुख की निरंतरता और निश्चितता नहीं रहती है। यह भी दिखता है कि सही के अर्थ में अपने संस्कारों का परिमार्जन करना ही होगा। स्टेप सिक्स, यहां 2 भाग हैं। पहला भाग जिसमें हम देखने जाते हैं कि कौन सा भाग मुझे सहज स्वीकार है, हम किन भावों की निरंतरता चाहते हैं। यहां पर दिखाई देता है कि मेरी सहज स्वीकृति तो हमेशा संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व के अर्थ में बनी हुई है, इन्हीं भावों की हम निरंतरता चाहते हैं। वहीं दूसरा भाव पार्ट, इसलिए संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व को स्वयं में सुनिश्चित करने के लिए मुझे इन भावों को समझने की आवश्यकता है, यह दिखाई देता है। और इसकी शुरुआत संबंध के भाव को पहचानने और निर्वाह करने से होगी, और फिर इसी अर्थ में मेरा इस बात पर भी ध्यान गया
कि अस्तित्व में तो व्यवस्था है ही। अगर मैं इस व्यवस्था को समझकर वैसा ही जीने लगूं तो जीना सहज और सरल हो जाएगा। जैसे कोई तैराक स्विमर नदी के बहाव की दिशा में जब तैरता है तो वह आराम में रहता है। स्टेप 7, संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व के अर्थ में अपने भाव विचार को हर पल हर क्षण बनाए रखना ही निरंतर सुख या आनंद का स्थित है। और दिखता है कि यही मानव जीवन का लक्ष्य भी है। यह बात विचार के स्तर पर तो दिखाई देती है, लेकिन यहां पहुंचने के लिए अभी मुझ में बहुत कुछ करना बाकी है। अब तक जितनी उपलब्धि हो गई है उससे एक स्तर का उत्साह बना है, और यही उत्साह ही आगे बढ़ने का साहस देता है। मैं अपने आप से कहता हूं, मुझे अपने विकास के लिए, ज्ञान समाधान के लिए हर क्षण अपनी कल्पनाशीलता पर ध्यान देना ही होगा। एक्सरसाइज 2, मैं के द्वारा मैं शरीर और शरीर के साथ होने वाले आदान प्रदान को देखना। जैसा कि मैं पहले भी इस बात को रख चुका हूं कि मेरे जीने का एक बड़ा भाग करीब 90% से ज्यादा स्वयं के ही स्तर पर होता है, बहुत थोड़े समय के लिए ही मैं बाहर या शरीर से इंटरेक्ट होता हूं। इसलिए अभ्यास 1, जहां हर पल हर क्षण करने का विषय है, वही अभ्यास 2 कभी कभी अर्थात सामयिक रूप से करता हूं। स्टेप 1, मैं अपने आप से पूछता हूं कि मैं हूं, तो हां हूं। कैसे? मेरे में होने वाली क्रियाओं, इच्छा विचार आशा को देखने के आधार पर। शरीर है? तो हां है। कैसे? शरीर में होने वाली किसी भी संवेदना को देखने पढ़ने के आधार पर। यहां पर एक घटना को साझा करना चाहता हूं। सार सत्र के दौरान मेरे में तीव्र इच्छा हुई कि मैं अपने को शरीर से अलग देख पाऊं। एक रात सोते वक्त मैंने देखा कि मेरा शरीर लेटा हुआ है और मैं उसे शरीर से कुछ ऊंचाई से देख रहा हूं। मुझे अपनी पोजीशन सर के ऊपर दिखाई दिया। मेरा अपना रूप कैसा है ये तो याद नहीं, लेकिन जड़ शरीर बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा था। थोड़ी देर में ही शरीर छूटने का भय बना और फिर मैंने इच्छा पूर्वक अपने दाहिने हाथ को हिलाया। इच्छा अनुसार हाथ में हरकत होने के बाद मैंने राहत की सांस ली और फिर करवट बदलकर सो गया। तो यह स्पष्ट दिखा कि मैं और शरीर दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं। स्टेप 2, मेरे और शरीर के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे हो रहा है? यह बहुत स्पष्ट तो नहीं है, परंतु यह तो क्लियर है कि कोई हार्डवेयर कनेक्शन नहीं है। उस रात वाली घटना में भी ऐसा लगा जैसे कोई हाथ की परछाई के रूप में मेरे द्वारा एक हाथ से शरीर के दाहिने हाथ को हिलाया गया हो। स्टेप 3, इसको मैं दो पार्ट में देखता हूं। पहला, जब मैं शरीर को संकेत देता हूं और जैसा संकेत देता हूं शरीर वैसा ही करता है। आसन प्राणायाम करते समय यह बहुत स्पष्ट दिखता है और इस अर्थ में शरीर मेरे लिए एक साधन की तरह है। स्टेप 3 का दूसरा हिस्सा, शरीर में हो रही किसी संवेदना को पढ़ने का निर्णय भी मैं ही लेता हूं। सामान्य तौर पे तो बिल्कुल साफ दिखता है, लेकिन शरीर में हो रही कोई हाई इंटेंसिटी की संवेदना
को ना चाहकर भी पढ़ना पड़ता है। इस बात को मैं अपने योग्यता में कमी के रूप में देखता हूं, क्योंकि अभी हमारा जीना शरीर सापेक्ष ही बना हुआ है, और साथ ही साथ यह भी दिखता है कि जिसे मैं दर्द कह रहा हूं वो मेरे द्वारा की गई प्रतिक्रिया है जिसका आधार कोई न कोई मान्यता है। फिर भी अपने स्तर पर इस बात को मैं खुला रखता हूं। स्टेप फोर, क्या मैं संवेदना हूं या मैं संवेदना से दूर हूं? यहां भी मैं एक बात को साझा करना चाहूंगा। 60 सत्र के दौरान, जो कि 15 दिन का होता है, हम सब एक विद्यार्थी के रूप में वहां पर होते हैं। अपने पर ध्यान देने के अर्थ में मुझे लगता है कि हमारी चेतना का स्तर थोड़ा ऊपर उठ जाता है। इसी क्रम में वहां सुबह के सत्र में मैंने अपनी पीठ में हो रही एक संवेदना को पढ़ना और गहराई से ध्यान देना शुरू किया। जो संवेदना एक बड़े हिस्से में महसूस हो रही थी, उस पर लगातार ध्यान बनाए रखने से सूक्ष्म और अंत में एक बिंदु के रूप में दिखने लगी। जो पहले ठोस और जहां भारीपन था, अब वो हल्की और तरंगों के रूप में दिखाई देने लगी। इस घटना के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि मैं संवेदना तो नहीं हूं, परंतु संवेदना से मेरी कितनी दूरी है या उस दूरी को मैं घटा बढ़ा सकता हूं, यह कहना अभी मुश्किल है। स्टेप फाइव बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है, इस अर्थ में कि बाहर की स्थिति परिस्थिति मुझे और मेरे व्यवहार कार्य को कैसे और कितना प्रभावित करती है। बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि बाहर की परिस्थिति का प्रभाव पहले मेरे शरीर तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप शरीर में संवेदना होती है। फिर उस संवेदना को मैं निर्णय पूर्वक पढ़ता हूं, पढ़कर एक अर्थ देता हूं जिस पर मेरा व्यवहार कार्य निर्भर करता है। वहीं दूसरी तरफ मैं क्या अर्थ देता हूं, यह मेरे मान्यता या संस्कार पर निर्भर करता है, और इसी आधार पर मैं अपने भाव विचार को बनाता बिगाड़ता रहता हूं, और साथ ही साथ सुखी दुखी होता रहता हूं। इस अर्थ में यह दिखता है कि संस्कारों का परिमार्जन किए बिना निरंतर सुख में जीना संभव नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात, निश्चित मानवीय आचरण, डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट के अर्थ में जीने के लिए स्टेप फाइव का एक बहुत बड़ा उपकार रहा है, इसे मैं देख पाता हूं। स्टेप सिक्स, यहां एक बात पर मेरा ध्यान गया कि जब मैं बाहर की कोई घटना, विशेषकर दूसरे का व्यवहार कार्य का आकलन करने जाता हूं, तो उस क्षण मुझे अपना आकलन करना होगा कि मैं अपने स्वभाव में हूं या फिर नहीं। जब मैं अपने स्वभाव में होता हूं तो बाहर का आकलन ठीक ठीक हो पाता है और मैं जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत हो पाता हूं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं अपने स्वभाव में नहीं होता हूं तो फिर मैं बाहर से प्रभावित होकर सही आकलन नहीं कर पाता हूं, फलस्वरूप मैं प्रतिक्रिया कर देता हूं। ये कई घटनाओं में मैंने अपने आप में देखा है। स्टेप सेवन, मेरा होना शून्य के सह अस्तित्व में बना हुआ है। यह दिखता है कि यह कल्पनाशीलता का विषय तो नहीं है, दृष्टा पद से ही इसको देखा जा सकता है। इसलिए शून्य की वास्तविकता क्या है अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। शून्य को मैं अभी आकाश से ज्यादा नहीं देख पा रहा हूं, शायद अभी इसे मैंने महत्वपूर्ण नहीं माना है,
इसीलिए शून्य को देखने की उत्कंठा भी मेरे में नहीं बनी। तो इस तरीके से दोनों एक्सरसाइज के हर एक स्टेप्स पे ध्यान गया। सुख स्वभाव है या प्रभाव? तो निरंतर सुख के अर्थ में तो सुख स्वभाव ही दिखता है, जिसे हम सभी लोगों ने एक्सरसाइज 1 के स्टेप 7 में देखा है कि संबंध व्यवस्था और अस्तित्व को समझना और उस भाव विचार में रहना ही निरंतर सुख है और वही सुख स्वभाव के रूप में दिखता है। बाहर से मिलने वाला सुख जिसे हम प्रभाव कह रहे हैं सामयिक है। अपना सही मूल्यांकन करने के लिए सुख के स्रोतों पर ध्यान देना होगा, ऐसा मुझे दिखता है। और मैं देख पाता हूं कि संवेदना से मिलने वाला सुख और दूसरे से भाव पाकर मिलने वाले सुख की मुझ में इच्छा बनी रहती है। अपने पर काम करने से, खासकर संयम के भाव के कारण, कुछ हद तक संवेदना से तो ऊपर उठ पाया हूं, पर अभी बहुत काम करने की आवश्यकता दिखती है। यहां पर यह भी मूल्यांकित होता है कि मेरे जीने का केंद्र क्या है। कमिटमेंट के तौर पर यह बात दिखती है कि डेवलपमेंट के प्रोसेस में सेल्फ डेवलपमेंट से टीम डेवलपमेंट और फिर सोसाइटल डेवलपमेंट के रूप में होता है। इस क्रम में मेरी निष्ठा बनी हुई है। तो ये मैंने पूरी अपनी शेयरिंग रखी और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझको सुनने के लिए। जी धन्यवाद भैया, बहुत ही सुंदर शेयरिंग रही। पहले मैं अभी कुमार भैया को आमंत्रित करता हूँ कि हिमांशु भैया के शेयरिंग के बारे में गाइड कर। कुमार जी बहुत बढ़िया भैया शेयरिंग रही राय भैया की। जी तो भैया से इंटरेक्शन तो बहुत पुराना रहा है। मुझे लगता है कि जो लेवल 1 का वर्कशॉप पहले किया था भैया के साथ ही था, और मतलब जो फिर लेवल 3 वर्कशॉप में भी आए थे, तो जिस तरह का इंटरेक्शन हम लोग का होता था पूरे वर्कशॉप के दौरान, तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी बारीकियों पे बात हो पा रही है। तो भैया का एक पुराना संस्कार भी है कि बारीकी से देखना और तर्क के आधार पर भी देखना, तर्क में बात को पूरी पड़े तभी उसके साथ आगे चलना। तो वो सहयोग भी कर रहा है, और जिस तरह का बैकग्राउंड रहा है, थोड़ा आस्था का, इस तरह के प्रश्न भी रहे हैं अपने अंदर, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो ये सब जो पुराना संस्कार है भैया को सहज रूप से गति दे रहा है। अभी भैया पूर्ण रूप से उपलब्ध भी हो गए हैं, अभी कोई व्यावसायिक व्यस्तता नहीं है, तो आगे के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं हैं और हम लोग सबकी आशाएं भी हैं कि इस दिशा में भैया और स्वयं पे भी काम करें और भागीदारी भी करें। अभी आप सार सत्र भी अटेंड करके आए, मुझे लगता है और उसमें गहराई और विस्तार आया है। बिंदुवार ढंग से जो आपने पूरी बात रखी और जो आपने अभ्यास 2 के स्टेप 1 को लेकर शेयरिंग की, उससे दिख रहा है कि आप अपनी कल्पनाशीलता को समेट कर अब स्वयं पे ध्यान दे पा रहे हैं। पहले जब चर्चाएं होती थी तो बहुत सारा जो शास्त्रों में कही गई बातें हैं उसको लेकर बहुत सारी चर्चा होती थी, कहीं ऐसा मुझे भी लगता था कि जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन है उसकी और ध्यान देने की जरूरत है, परंतु अभी जिस तरह के आप उपलब्धियों को शेयर कर रहे हैं तो ये दिख रहा है कि कल्पनाशीलता अब एकाग्र होती जा रही है और स्वयं पे ध्यान आपका बढ़ता जा रहा है। जी। जी, आपके परिवार में भी जाना हुआ, आपकी पत्नी है वो भी मूल्य शिक्षा से जुड़ी हुई है, और बेटी से भी बात हुई, ऐसा लगा सबका ध्यान जा रहा है। तो एक परिवार में भी अनुकूलता है और परिवार का पूरा समर्थन है आपको। समृद्धि वाले भाव को लेकर भी कोई कठिनाई नहीं दिखती, तो बहुत सारी अच्छी संभावनाएं हैं। और मन लगाया जाए और फैल के भागीदारी की जाए। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि विचारों का अभ्यास पहले ज्यादा रहा है तो भागीदारी में थोड़ी सी और गति की जरूरत थी, तो अब जब निरीक्षण बढ़ा है अपने आप में, ध्यान ठीक से जा रहा है, तो भागीदारी और फैल के कर सकते हैं, समय के सदुपयोग को और बढ़ा सकते हैं, तो उससे जो परस्परता में व्यवहार में अपना और मूल्यांकन होना है ना, उस पर भी और बारीकी से काम हो पाएगा।
और व्यवस्था में भागीदारी भी और फैल कर हो पाएगी। काम तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है और उसमें मजबूत लोगों की जरूरत है जो स्वयं में बारीकी से देख पा रहे हो, तृप्ति का स्रोत स्वयं में देख पा रहे हो, तो उसमें काफी आवश्यकता भी है और संभावना भी है। तो मुझे लगता है एक तो भागीदारी वाले भाग पे और थोड़ा सा काम किया जाए। अभी आपने वर्कशॉप से लेना शुरू किए हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे आपका हो रहा है, तो उससे बहुत अच्छी संभावना है भविष्य के लिए। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई भी। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद कुमार भैया।